खेती में तीन चार चीज का आपने ध्यान रखना है। एक तो हमें न्यूट्रिएंट देने हैं, ताकत देनी है, और दूसरा जो घास फूस है उसको आपने कंट्रोल करना है, और तीसरा वो जो बीमारी लगती है, कीड़े लगते हैं, तो उसका आपने समाधान कैसे करना है। तो एक तो ये है जो आपने जमीन मैंने बता दी, एक आपने सेलेक्ट कर ली, उसमें आपने टेस्टिंग करवा के उसमें गोबर वाली खाद डाल दी, और वो आपने वैरायटी भी सिलेक्ट कर ली, फसल भी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने उसमें जीवा अमृत आता है, जीवा अमृत नोट कर ले, जीवा अमृत जो जमीन के अंदर जीव है, जो माइक्रोब्स है, उसका अमृत वो आपने यूज करना है। वो बनाना कैसे है मैं बता देता हूँ। 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र और 10 किलो गोबर 10 किलो गौमूत्र और 1.5 किलो बेसन और 1 किलो गुड़ और 1 मुट्ठी मिट्टी, तो ये और 200 लीटर पानी, वो आपने एक ड्रम 200 लीटर पानी वाला ड्रम होता है प्लास्टिक वाला, उसमें डाल के घोल के रख लेना है कि भाई साहब हंस रहे हैं पता नहीं क्या बता रहे। तो ये एक जीवा अमृत है, जीवा अमृत यानी कि जो धरती के अंदर जीव है करोड़ों में, उसका अमृत, तो वो आपने बनाना है ऐसे 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र और 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी। और मिट्टी कहाँ से लेनी है आपने? मिट्टी आपने वहाँ से लेनी है जहाँ पहले केमिकल ना डला हो, राउंड अप ना डली हो, क्लोरो ना डली हो, कार्बेंडाजीन जब हम डालते हैं पानी में मिला मिला के वो ना डली हो। लेकिन ये तो मिलने मुश्किल है ना। पहले आप देख बड़ जो भाई साहब बता रहे हैं, बड़ वाली मिट्टी, बड़ के नीचे से वो वाली, जब पिपल जो खेत में कहीं मिल जाए आपको, जब पेड़ मिल जाए, जहाँ शायद रहती हो और जहाँ कभी कोई केमिकल हमने याद ना डाला, वो आपने मिट्टी ले ली। वो मिट्टी डालने का हमारा पर्पज जहीन का, जिन्होंने भी बनाया फार्मूला, उसका ये है कि एक मुट्ठी में जो जीवाणु है वो जब हम उस घोल में डालेंगे तो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, बढ़ जाएगी। और उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे थोड़े से, तो उसमें ये है कि आप वो सारा सूखा डाल के उसको मिलाना है, मिलाने के बाद उसको ढकना है ड्रम को, ढकना भी प्लास्टिक वाले कपड़े से नहीं ढकना, जो बोरी आती है जूट वाली पटसन वाली उससे ढकना है, और उसको हल्का सा बांधना है और उसको छाए में रखना है और बरसात से बचाना है, और उसको 7-8 दिन बाद आप उसको यूज कर सकते हो खेत में पानी के साथ, या उसको घोल के और उसकी आप स्प्रे भी कर सकते हो। पानी के शुरू में जब आप रोड़ी करते हो, जब डालना है तो 600 लीटर, जब आप उसमें बाद में फसल में पानी लगते हैं उसमें इरीगेशन के साथ डालना है तो 200 लीटर, और आपने स्प्रे करनी है तो 10-15 लीटर। वैसे कोई लंबा चौड़ा तो माना नहीं है, आप 200 लीटर का 500 भी डाल दो, 1000 भी डाल दो, तो इतनी ये राउंड ऑफ तो वैली भी इतना नुकसान करती है ना। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है घन जीवामृत। घन जीवामृत जो आप पशुओं के नीचे वो क्या बोलते हैं, सूखा डालते हैं सर्दियों में, ऐसा होता है, लेकिन वो तैयार कैसे करना है आपने, वही उसी तरह गोबर लेना है, मिट्टी लेनी है, और गौमूत्र लेना है, बेसन लेना है। बेसन और गुड़ इसलिए डालते हैं कि ये ताकत देता है, ये जो जीवाणु है उसकी संख्या बढ़ाने में और उसके क्या बोलते हैं ताकत बढ़ाने में काम आता है। तो आपने वो तैयार कर लेना है, और उसको डालना कैसे है, इसकी डोज रहती है 200 क्विंटल 1 किलो की, 200 क्विंटल नहीं 200 केजी, 2 क्विंटल 1 किलो की डालना है। ज़्यादा भी डाल दो वैसे नुकसान नहीं है, लेकिन जो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करे हैं थोड़े बहुत, उन्होंने ये बताया भी 200। और इसके बाद जब घास आएगा, पहले हम गेहूँ बीजते थे तो कोई स्प्रे करते थे घास वाले, जो हर आती थी ना वो बल्दों वाली किलियों वाली, उसके चला के काम चला लेते थे। अब एक चीज़ ये भी ध्यान, चलो याद आ गया, एक चीज़ ये भी ध्यान रख लें, हम किसी भी चीज़ को, ना कीड़े को, ना बीमारी को, ना घास को 100% दुनिया से ख़त्म नहीं कर सकते। गुलिंदने की समस्या आज भी है, और आज से 1980 से पहले भी थी, पहले वो कंट्रोल हो जाती थी, आज कंट्रोल में नहीं है। टॉपिक डाल के देख लिया हमने, लीडर डाल के देख ली, एग्जिट डाल के देख ली, रेडी मिक्सचर भी डाल के देख ली,
तो क्या कंट्रोल हुआ? हमारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, किसी चीज को हम 100% कंट्रोल नहीं कर सकते, 10% आगे के लिए बहुत है, और करना भी नहीं चाहिए, कोशिश भी नहीं करना चाहिए। तो और इसके बाद वो जो घास फूस आएगा वो अपने हिसाब से आप उसको कंट्रोल करो। वैसे तो मल्चिंग होती है, मल्चिंग का मतलब जैसे प्याज आपने बीज रखा है तो प्याज की रोपाई करते ही उसमें थोड़ी थोड़ी पराली लगा देते हैं तो घास भी नहीं आता और मॉइस्चर है जमीन में, नमी है जो अपने आप ही बनी रहती है। तो इस तरह के जो देसी नुस्खे हैं वो अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आएगा कीड़े भी लगेंगे, बीमारियाँ भी लगेंगी, तो उसका कैसे समाधान करना है? तो कीड़े का एक और भूल गया मैं, बीजामृत। जब आप बिजाई करोगे ना, बिजाई से किसी भी फसल की बिजाई से पहले जैसे हम बीज उपचार करते हैं क्लोरो से, बेवेस्टिन से, स्ट्रेप्टोसाइटिन से, तो इस प्रकृति खेती में बीजामृत नाम दिया है उसको। उसमें गोबर भी डालना है, गौमूत्र भी डालना है, एक चीज और आएगी चूना, चूना उसमें डालना, बुझवा चूना आता है जो कली आती है जो, वो 250 ग्राम 100 किलो जो मटीरियल है उसमें डलता है। तो ये 100 किलो बीज के लिए होता है। तो आप अगर मटीरियल चाहिए लिखित में तो हमारे पास मिल जाएगा, अभी ये इसकी मात्रा कितनी कितनी है, तो आप वहाँ से नोट करके उतना डाल सकते हो। तो आप उसके बाद जब कीड़े आएंगे, कीड़े तीन, एक तो रस चूसने वाले कीड़े आते हैं और उसके बाद सूंडियाँ आती हैं, छोटी सूंडियाँ फिर बड़ी सूंडियाँ। इसके लिए इन्होंने जो प्रकृति खेती वाले हैं इन्होंने 3-4 अस्त्र बनाए हैं, नीमा अस्त्र, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मा अस्त्र, सोड अस्त्र, लस्सी वाला ये अस्त्र है, ये कह रहे पता नहीं कौन से अस्त्र है। तो ये था जैसे पहले महाभारत में जब युद्ध होया था तो उस टाइम जब कर्ण और अर्जुन लड़ते थे तो कोई अग्नि निकालता था, ब्रह्म अस्त्र निकालता था, ऐसे ही आपने ये अस्त्र यूज करने हैं। जब रस चूसने वाले कीड़े आएंगे तो नीमास्त्र का यूज करना है। नीमास्त्र में गौमूत्र है और नीम है, 5 किलो नीम है, 10 किलो गौमूत्र में 5 किलो नीम की पत्तियाँ या नीम के फल निमोली होती है वो है, और उसको उसकी चटनी से बना के उसमें डाल देते हैं। और फिर अग्नि स्तर में और ज़्यादा तीखा मटीरियल है, उसमें क्या है, एक तो लहसुन, मिर्च, लहसुन भी आपने वो लेना है, लहसुन है जो पुराना छोटी पोती आती है ना, छोटी वाला कली बोलते हैं जिसको, छोटी वाला जो ज़्यादा तीखा होता है वो डालना है आपने। अरे मिर्च डालनी है, मिर्च, मिर्च भी कई तरह की है, शिमला मिर्च है, देसी मिर्च है, और एक तीखी मिर्च जो मसाले वाली मिर्च होती है ना जो ऊपर लगती है, देखी होगी किसी ने, इंडिया में सबसे ज़्यादा तीखी मिर्च असम में मिलती है, गंटूर में मिलती है, अपने यहाँ नहीं है। हालांकि जो यूनिवर्सिटी की वैरायटी है ना, विजय शक्ति और एक और है, विजय शक्ति और एक और है डब्ल्यू एल, ध्यान नहीं मेरे, दो वैरायटी वो तीखी है, बहुत ज़्यादा तीखी है, उसमें जो कंटेंट है ना वो कोलोरेशन वो ज़्यादा है लगती है, तो वो मिर्च आपने लेनी है। और इसके बाद पाउडर लेना है तम्बाकू पाउडर। तो ये सारी चीज़ें आपने मिक्स करके, 5 चीज़ और भी है मिक्स करके, तो तुरा वो चीज़ें आपने जब ज़्यादा मतलब रस चूसने वाले के बाद छोटी सूंडी आती है जब वो लेना। इसके बाद आएगा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र तो वो अर्जुन जब यूज करता है बहुत ज़्यादा आप ताजे है ना, जैसे वो गटौत का चाहता था तो जब यूज करा था बहुत बड़ी बड़ी सूंडी आ जाए, बहुत बड़ी बड़ी, जब वो यूज करना है ब्रह्मास्त्र। उसमें और ज़्यादा चीज़ें मिक्स हैं, उसमें नीम भी है, लहसुन भी है, धतूरा भी है, तम्बाकू भी है, और ये क्या बोलते हैं अरंडी क्रंच भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेन चीज़ है आपने ये ध्यान रखना है कि उसमें जो पशु पत्ते नहीं खाते हैं वो चीज़ें आपने सिलेक्ट करनी है, और सिलेक्ट करके उसकी चटनी सी बना के उसमें डाल लेनी है, और फिर जब भी जरूरत पड़े उस अस्त्र को आप यूज कर सकते हो। तो ये बहने पता नहीं इसलिए, तो इस चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ये अस्त्र है आपने जब भी जरूरत पड़े तो आपने उसको इस्तेमाल करना है। इसके बाद बात करते हैं वेजिटेबल की, मैं वेजिटेबल का ही हूँ, वैसे सब्जियाँ का हूँ, तो सब्जियाँ हमने सब ने अपनी उगाड़ी चाहिए कि नहीं उगाड़ी चाहिए, हाथ खड़े करी हो, बहुत बढ़िया, तो सब्जी अपनी और जो खरीदते हैं वो हाथ खड़े करी हो, वो कम है, जो जो खरीदते हैं उनको थोड़ा सा ये ध्यान आ जाए
कि इसमें कितने स्प्रे हुई, शाम को स्प्रे हो जाती है, उसके बाद हम मार्केट से ले आते हैं। अलग यार ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई, वहाँ शिमला से हिमाचल प्रदेश से भी आती है, वो 3-4 दिन पुरानी होती है, तो उसका उसमें थोड़ा केमिकल कम, लेकिन केमिकल भी तो वैसे आते हैं कि पौधे के अंदर जाते हैं, तो धोने से वैसे तो ऊपर वाले उतर जाएंगे, जो अंदर है सिस्टमिक केमिकल है वो आप कैसे निकालो। और फल तो हम कच्चा ही खाते हैं, खाते हैं ना, कई बार तो खेत में गए और वो तोड़े और खा लिया, रेडी भी उठाया और खा लिया, और उसमें कितने केमिकल लगे हुए। तो आप एक छोटा सा एरिया लेके, चाहे उसको प्रकृति खेती वाला एरिया लेके, उसमें आपने सीजनल सब्जी आपने अपने आप अपने बच्चों से या अपने जो परिवार के मेंबर हैं उनको इन्वॉल्व करके, तो सब्जी सारी उगानी। अब ये देखो भगवान ने कितना पूरे सीजन की सब्जी बना के दिया है, पूरे सीजन की, बस थोड़ा कष्ट ही कर रहे हैं। अब वाली सब्जियां मार्च तक चलेंगी, और अब उसके बाद मार्च के बाद बेल वाली सब्जियां शुरू हो जाएंगी, और कई ने तो उसकी बिजाई कर भी दी, घिया है, तोरी है, कद्दू है, पेठा है, होगी ना। पहले पेठे कितने बड़े बड़े आते थे, इतने बड़े बड़े, पूरा परिवार के पूरा गांव भी 2-3 पेठों से निजात जा लेता। अब हमारी फैमिली तो दो हमारे दो है ना, तो पेठे भी इतने ही हो गए। तो आपने कद्दू, पेठा, तोरी, ये सारे बेल वाली सब्जियां सारी लगाई, खीरा है ना, तो खीरा हो गया, बेल वाली सब्जियां, और तरबूज हो गया, और खरबूजा हो गया, और ककड़ी हो गई, टिंडा पहले आता था बीकानेरी ग्रीन, अब तो हाइब्रिड आ गए, वो इतने छोटे से होते हैं और बीज उससे बड़ा, बाहर बीज दिखता है उसको, जब उसको टिंडा खरीद जाओगे ना, इतना सा टिंडा और बीज इतना बड़ा। तो जो पहले यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है बीकानेरी, जो बीकानेरी से बीज मिलता है वो टिंडा, बंगा अपने यहाँ सिरसा है, जो सिरसा भालका बठिंडा बंगे के लिए मशहूर है, बंगा, खीरा, हालांकि खीरा भी 2-3 प्रकार का है, देसी खीरा जिसमें पहले वो कैप्सिकम कड़वा भी होता था, उसकी ऊपर वाली है जो थोड़ा काट के नमक लगा के और उसको फिर नीचे से काटते थे ताकि उसमें जो जहरीला पदार्थ हो कम हो जाता है। लेकिन अब खीरा ऐसा आ गया कि एक ही जैसा है ना, एक ही जैसा, उसमें क्या है कि बेल वाली सब्जी में 2 फूल आते हैं ना, किसने देखे हैं 2 फूल, मेरे घर किसी ने नहीं, चलो ठीक है। इसमें बेल वाली सब्जियों में 2 तरह के फूल आते हैं, नर फूल और मादा फूल, लेकिन एक खीरा ही ऐसा है जो रेडियो पर एक तरह का होता है, उसमें एक ही तरह का फूल आता है मादा, जो मादा फूल है वही फ्रूट बनता है, वही एक खीरा बन जाता है जिसको हम खाते हैं, लेकिन वो हालांकि पोली उसमें लगता है पोली हाउस में, लेकिन कोई कोशिश करना चाहे तो ऊपर में लगा सकता है, ऊपर का मतलब खुले खेत में, लेकिन उसमें एक शर्त यह रहती है कि उस खीरे के साथ कोई दूसरा खाना ना मिलो। और फिर पेठा, तोरी, चप्पड़ कद्दू के 2 सीजन है, कब कब है, एक तो अक्टूबर में लगता है, अक्टूबर नवंबर में, और दूसरा जनवरी में। वो ऐसा फल है, ऐसी सब्जी है, ना तो गर्मी सहन करता ना सर्दी। इसके पालक है, मेथी है, धनिया है, पालक सारा साल लगती है, मेथी अक्टूबर में लगती है, मेथी को हम सब्जी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, उसका जो दाने होते हैं उसको एज ए मेडिसिन, उसमें अचार यूज़ कर सकते हैं, धनिया, मेथी, पालक और लहसुन, प्याज कितने प्रकार का होता है, एक तो प्याज अब चल रहा है जिसकी कटाई होगी अपने मई में जाकर, एक प्याज होता है खरीफ वाला प्याज जिसकी रोपाई होगी, अब नर्सरी बनेगी जून में और उसको लगाया जाएगा दोबारा अगस्त में, तो वो खरीफ प्याज है। खरीफ वाला प्याज के लगाने के 2 तरीके हैं, एक तो पहले हम छोटी छोटी गंठियाँ बना के रख लें, गंठियाँ बना के छोटी छोटी इतनी इतनी, और उसके बाद उसको अब जब अगस्त में सीधी खेत में रोपाई कर दें, जब मानसून आता है थोड़ा टेम्परेचर कम आता है, तो गुंदली वाला प्याज है वो ऐसे देता है, और नहीं तो फिर उसकी नर्सरी बनाए चुके में वो बहुत मुश्किल होती है ना। इसके बाद मटर अपनी ज़मीनों में जो हल्की ज़मीन है उसमें बहुत बढ़िया होता है, अक्टूबर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक उसकी बिजाई हो सकती है ना। मेथी वैसे 2 प्रकार की होती है, कसूरी मेथी और देसी मेथी, और दोनों का जो बिजाई का समय वही अक्टूबर ही है, 15 अक्टूबर के बाद आप लगा सकते हो। जड़ वाली सब्जियाँ में जैसे
मूली है, गाजर है, मूली मूली सारे साल होती है ना, लेकिन ये है कि जो बढ़िया मूली वो आप ही जो आप मार्केट में वो बढ़िया है। जो मूली हम अपने अप्रैल मई जून में खरीदते हैं वो बहुत ज़्यादा पक्की होती है और खाने में नीचे है ना, उसमें वो जो जो उसका पर्पज है खाने का वो सर्व नहीं होता। और इसके बाद है ये भी है आपने क्या बोलते हैं गोभी वर्गीय सब्जियाँ, गोभी सारे साल होती है, वो हमने अपने हिसाब से उसका टेस्ट भी चेंज कर दिया और उसका टाइम ऑफ स्विंग भी चेंज कर दिया, क्योंकि हम डिमांड हमारे बच्चे हैं डिमांड करते हैं ना, बोला गर्मियों में हमें ये गोभी चाहिए। तो हम वेजिटेबल मत ये है ना कि जैसे जरूरत हो वैसे ही सर्च होती है, वैसे सर्च बनी और इसका टाइम ऑफ सोइंग भी चेंज हो गया और इसकी वैरायटी भी चेंज हो गई। पत्ता गोभी आपने बहुत बढ़िया होती है, और इसके बाद ब्रोकली भी हमारे अच्छी बढ़िया होती है, गांठ गोभी भी हो जाती है, और चाइनीज कैबेज वो भी होती है, रेड कैबेज और ब्रूसल स्प्राउट, पता नहीं कितनी, मैं यहाँ से कड़ा कड़ा 50 सब्जियाँ का नाम ले सकता हूँ जो अब भी हो जाएगी और 50 अभी हो जाएगी। तो हम तो 10-15 ही लगा लेते बहुत है। एक ये सलाद आता है जो आप की जाते हैं ना पैलेस में, पैलेस में सर्दी में तो ऊपर ऊपर लगा आता है, वो भी आपने बहुत बढ़िया हो सकता है, वो भी दो तीन प्रकार, एक लाल वाला और एक दूसरा हरे वाला, तो वो आप लगा सकते हो। और एक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको धीरे 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 खेती में ले है ना। पहले क्या होता था, जब गेहूँ पकती तो सारे एक्टिव हो जाते थे, कुम्हार भी एक्टिव, कीड़े भी एक्टिव है ना, सेफ्टी वाले भी एक्टिव होते थे, नहीं कोई चीज़ खरीदता नहीं था, घड़े वाले कुम्हार जो घड़े वो भी एक्टिव हो जाते। लेकिन आप है कि कमाई लगनी है और सीधा जाना है और समय से पहले काटनी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें, गेहूँ जब काटनी है जब मॉइस्चर कम हो, ये ना हो हम एक दिन काटे और मंडी में ले आए और उसके बाद वहाँ स्ट्राइक हो जाए और